गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर फोर मैटर। चैप्टर फोर इज मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की थ्री सेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन टू यू मैटर पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इन टूडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो टेक आउट योर बुक, पेज ओपन, पेज नंबर 37। ओनली लिसन दिस लेक्चर, ओके। सो वी हैव फर्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। एनी लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। व्हेन जब एनी लिक्विड डिसॉल्व dissolve in water is known as miscible जब कोई लिक्विड को किसी लिक्विड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उससे बना हुआ सॉल्यूशन मिसिबल लिक्विड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एड मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज मिसिबल लिक्विड। एंड व्हेन लिक्विड दैट देन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जब कोई लिक्विड डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में उसको इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है। लिक्विड दैट लिक्विड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इमिसिबल। एग्जाम्पल मिसिबल का एग्जाम्पल क्या है, मिल्क डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है। एंड इमिसिबल का एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, अपर साइड पे वो फ्लोट करता रहता है। सो ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एंड ऑयल मिक्स विद मिक्स द ऑयल इन टू ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड दैट फॉर्म इमिसिबल लिक्विड, ओके। एंड सेकेंड है लिक्विड गेट, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। लिक्विड गैस सॉल्यूशन, वैन वी बॉइल वाटर, जब हम वाटर को बॉइल करते हैं, सो बबल्स फॉर्म ऑन द साइड ऑफ वेसल्स। तो अगर आपने एक कंटेनर में वाटर को बॉइल किया है तो बबल्स जो है वो
वेसल्स के साइड में फॉर्म्ड होती है. दीज आर द बबल्स ऑफ गैसेस. तो इसका मतलब है गैसेस जो गैसेस के फॉर्म में है बबल्स दैट वेर डिजॉल्व इन वाटर और वो फिर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है. सो वाटर इज इन द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन. वाटर जो है वो एग्जाम्पल का क्या है लिक्विड गैस सॉल्यूशन का. एंड नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन आवर सराउंड. मैनी चेंजेस आर हैपन. अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं. सम आर फिजिकल एंड सम आर केमिकल. फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस आर इट इज टेम्पररी चेंज. फर्स्ट इज इट इज टेम्पररी चेंज. ये टेम्पररी चेंज है इट इज परमानेंट चेंज. ओके इट इज रिवर्सिबल एंड इट इज इरिवर्सिबल. इट इज रिवर्सिबल एंड इट इज इरिवर्सिबल. थर्ड वन इज इन दिस नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. सो In these changes, molecules of substance remain and no new substance are formed. In this type of change, no new substance are formed. And in this type of change new substance are formed. So listen one time again. Changes physical and chemical change. In our surrounding many changes are happen daily. So changes are divided into two types, physical change and chemical change. In physical change it is a temporary change. ये कुछ time का change होता है and it is reversible. Reversible means जो बनता है उससे वो वापस उसके जिससे बनाते हैं उसी फॉर्म में वापस आ सकता है. रिवर्सिबल होता है. और इन केमिकल चेंज इट इज़ परमानेंट चेंज. ये एक परमानेंट चेंज होता है. इसमें वापस कोई चेंजेस नहीं होता है फिर. एंड सेकेंड वन इज इट इज़ इरिवर्सिबल. ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. इरिवर्सिबल है. एंड थर्ड इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. और इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है. इन बुक ओपन पेज नंबर 38. सो द चेंज दैट द चेंज शो इन द प्रीवियस एक्टिविटी आर फिजिकल चेंज. जो अपनी प्रीवियस एक्टिविटी को शो करता है जो चेंज वो फिजिकल चेंज कहलाता है. इन फिजिकल चेंज अ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम. यानी उसमें जो जिन सब्सटेंस को हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसी सब्सटेंस में वो वापस आ सकता है. एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और कोई न्यू सब्सटेंस बनता नहीं है. मोस्ट फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. ये टेम्पररी और रिवर्सिबल है. एंड इन केमिकल चेंजेस द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस चेंज आर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है. एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड ई रिवर्सिबल. ओके सो टूडे
आवर चैप्टर 4 इज फिनिश्ड, सो आई विल गिव यू होमवर्क, रीड पेज नंबर 37 एंड 38, ओके, एंड रीड चैप्टर, रीड होल चैप्टर इन वन टाइम एंड फाइंड आउट द मिड क्वेश्चंस, ओके, थैंक यू.